फिर मैं एक अलग एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूंगा और वो दिखाना चाहता हूँ जो जनरली जैसे है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो परफेक्ट किस तरह से करना चाहिए, उसका अंदाज कैसा हो करने का, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, और इससे क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखें कि जैसे एक पैर का एक्सरसाइज, जैसे आपने लेट दिया, लेटने के बाद एक पैर को अपनी तरफ टाना, पंजा को उसके बाद साइड से घुटना सीधा रखते हुए जितना साइड में जाए लाया, 5 से 10 सेकेंड रोकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस लाए और यहाँ ला करके फिर एड़ी टच किए, फिर छोड़ दिए, ठहर गए। ठीक इसी तरह दूसरे पैर को भी रेडी किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ले गया, जहां तक गया रोका, फिर वापस लाकर नीचे छोड़ दिया। अब इसमें मिस्टेक ये होता है कि लोग जनरली ले जाते हैं, तो ले जाते समय ये फ्लैट कर देते हैं, फ्लैट नहीं करेंगे, यहाँ पैल्विक जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता है और उतना फायदा नहीं होगा, बल्कि ये सीधा रखें, खड़ा रखें 90 डिग्री पर, जितना जाए उतने ही, बॉडी का कोई फोर्स नहीं, सिर्फ पैर का पावर लगना चाहिए, होल्ड किए और आहिस्ता ये, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे जहां तक जाए उतना ही होल्ड करें और घुटना बिल्कुल सीधा रखें और आहिस्ता ला करके फिर नीचे ठहर जाए। ये याद रखें, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल। ये हो गया एक अलग मतलब, ये फ्री करने के लिए हो गया, लेकिन जो फायदा चाहिए पैरों में पावर या सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, या कमर के फायदे के लिए, या घुटने के फायदे के लिए, घुटने में पावर बढ़ाने के लिए, तो उसका तरीका यह है कि सीधा जैसे उठाया टाना, एज को पुल किया, यानी ये 90 डिग्री में रखने की कोशिश करेंगे, देखिए सीधा रहा जहां तक आया और फिर वापस धीरे धीरे ला करके रखे, बहुत ज्यादा उठाना नहीं है, सिर्फ उठाना इतना ही है जो मूवमेंट हम कर पाए। ये देखिए फिर से एड़ी को बाहर टर्न पुश करने के बाद आहिस्ता से थोड़ा सा उठाया मूवमेंट करने के लिए, उसके बाद पूरा बॉडी लूज है, सिर्फ हाथ के हथेली नीचे की तरफ रखकर हल्का सपोर्ट, अब बहुत ज्यादा बॉडी लड़खड़ाने लगे तो दूसरे पैर के पंजा को नीचे की तरफ बाहर टांग दे, तो बॉडी थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये। अब इसमें ये देखे कंफ्यूज ना हो जाए कि एक पैर का पंजा इधर है, दूसरा पंजा बाहर है, तो दूसरा जो बाहर किया वो इसलिए किया ताकि बॉडी को कंट्रोल कर पाए, फिर जब इसको करेंगे तो अंदर करेंगे, जब भी करेंगे तो अंदर करके ये, फिर जहां तक गया वापस, फिर आया उसके बाद ठहर गया। अब उसके बाद इसको चाहे घुटने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी है, ये सीधा ले जाए फिर वापस लाए रखे, घुटने के पावर के लिए भी, या इंजरी वगैरह होता है उसके बाद जो डॉक्टर बताते हैं घुटने का मूवमेंट करने के लिए, तो ये इसका यही तरीका है, साइड वाइज उठा करके, बहुत फास्ट ना करें, ऑल्टरनेट करें तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और बेहतर तरीका है जैसे सीधा जैसे लेट कर करना, या सीधा बैठे हैं तो सीधे देखिए ले गए जहां तक, फिर वापस लाया रखा, फिर ये जहां तक गया फिर ला कर रखा, तो बैठ के करने से ज्यादा फायदा ये होता है कि पेट पर भी असर पड़ेगा, पेट की चर्बी भी कम होगी, लेकिन जिनको स्लिप डिस्क का भी, कमर की भी तकलीफ है, उनके लिए बैठ के करना है यह मुनासिब नहीं है, उनके लिए बेहतर है यह एक्सरसाइज को लेट के ही करें, या बहुत ज्यादा कमजोर है या बहुत ज्यादा हेल्दी है उनके लिए बेहतर है कि लेट के करें, पहले प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद बैठ के करें, क्योंकि बैठ के करने पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और लेट के करने पर आसानी हो जाती है और कमर पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, तो वो आप देखें कि जैसे बेहतर हो कि आप बैठ के कर सकते हैं या लेट के कर सकते हैं, लेकिन करने का दोनों का स्टाइल जो तर्ज है, कितना स्पीड कितना स्लो, वो दोनों का एक ही अंदाज होगा, और ये ध्यान रखिए फ्लैट नहीं होना चाहिए, सीधा हो, थोड़ा ही दूर जाए लेकिन सीधा रहना चाहिए,
पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ 90 डिग्री में जैसे रखा वैसे ही जाना चाहिए, टर्न नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यहां से लाया, फिर वापस रखा, फिर ये, फिर वापस, ये ज्यादा से ज्यादा 10-10 बार, और ऑल्टरनेट करें, यह बेहतर तरीका है। थैंक यू।